नगर पालिका गंज महासभा की नव निर्वाचित अध्यक्ष महोदय श्रीमती शशि अनिल यादव ने शपथ ग्रहण समारोह में बाद उन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के साथ साथ विदिशा कलेक्टर उमाकांत भार्गव एवं एसपी मोनिका शुक्ला ने हेलीपैड पर पहुंचकर मुख्यमंत्री की आगवानी की। स्थानीय विधायक लीना संजय जैन, नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का द्वारा खराब हुई फसलों और नागरिकों को हुए आर्थिक नुकसान की जानकारी ली। स्थानीय राहत शिविर में पहुंचकर शरणार्थियों का जाना हालचाल। बाढ़ प्रभावित गांव में मोटर बोट से पहुंचे ग्रामीणों के बीच विदिशा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में लगातार 48 घंटों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और चारों ओर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। प्रदेश प्राणदायिनी नदी बेतवन अपने रुद्र रूप पर है तो पुल से ऊपर लगभग 40 फीट ऊपर खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर चल रही है। जिले से निकलने वाली छोटी छोटी नदियों पर बनाए गए स्टॉप डैम ओवरफ्लो होने के कारण खोल दिए गए हैं, जिनका पानी बेतवा में जाकर मिल रहा है, जिससे नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। पूरे जिले में बाढ़ से हुए भारी नुकसान का जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम हेलीकॉप्टर के द्वारा हवाई यात्रा सर्वे करते हुए आज दोपहर गंज मसौदा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय शरणार्थी शिविरों में पहुंचकर आम नागरिकों का हाल चाल जाना। INCB न्यूज के लिए गंज मसौदा से दीपेश जैन की रिपोर्ट। ये सौदा में गए थे जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू देखा है ऑपरेशन और पूरा काफी मौजूद रहे हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगे हुए हैं, हम लोग पूरे क्षेत्र में उनकी टीम ग्राउंड स्तर से कार्रवाई कर रही है रेस्क्यू का और हम शीघ्र ही संपन्न करेंगे। सर, आप नगर पालिका में एक ही नाव है और वहाँ बहुत बेकार स्थिति हो चुकी है। हम SDRF और NDRF की भी लगाई है और वो सुनिश्चित हो रहा है।